लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व आम चुनाव चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों के लिए इस बार 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव होगा। इस चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे फेज में चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी, जबकि मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होगा। इसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। इस फेज की वोटिंग 13 मई को होनी है, जो 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। पांचवें चरण में मतदान 20 मई को होगा। सबसे कम 49 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। छठे चरण में 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। सातवें और आखिरी चरण में मतदान 1 जून को होगा। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 विल डू इट इन 7 फेजेस एज वाज डन लास्ट टाइम। 7 फेजेस। फेज 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट notification होगा और date of polling would be 13th of May. और fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक date of poll होगी, बीच में nomination, scrutiny और withdrawal की dates रहेंगी। Phase 6th में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Seventh phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And this phase mein pura Punjab, Haryana bhi shamil rahega. चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई। लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने का काम किया, जिसके चलते उन्हें उन पर दर्ज अपराध की जानकारी 3 बार अखबारों और टीवी पर देनी होगी। साथ ही दागी उम्मीदवार को टिकट देने को लेकर पार्टियों को भी अपना रुख साफ करना होगा। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है,
उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं हैं, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज़ ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसे लेकर चुनाव में हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो वन सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज 5 फीट्स, जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर सकी है, कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर, एंड ऑन द नोट्स फ्रॉम वेयर सम काइंड्स ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स। लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर किसी को भी चुनाव में कोई गड़बड़ी मिलती है तो वो मोबाइल ऐप सी विजिल के जरिए रिपोर्ट कर सकता है। इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर सेल्स। आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने की इजाजत नहीं है। द सोशल मीडिया हेल्प्स अस इन टेकिंग आउट आर आउटरीच प्रोग्राम्स। जितना हम यूथ, वीमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं उस माध्यम को यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस। व्हाई नॉट, इफ यू आर डूइंग रॉन्ग क्रिटिसाइज अस, बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट बी अलाउड टू क्रिएट फेक न्यूज विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। ये अफवाहें फैलाते हैं तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की चुनौतियों का जिक्र किया तो साथ ही इन चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को भी साझा किया। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायोलेशंस। असेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पार, हाउ टू कंट्रोल मनी पार, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायोलेशंस विच आर
done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle power ko control karne ke liye adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 ek naya prayog hum is baar kar rahe hain. We are establishing, hum bilkul determined hain is baar muscle power ko kam karne ke liye. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन. और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव 2024 का नारा दिया, चुनाव का पर्व, देश का गर्व. इस बार के चुनाव में ये नारा आयोग ने दिया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है. उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है. पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है. हमारे लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को नई राह दिखाई है. अब जबकि 2024 के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों इतना खास है हमारा लोकतंत्र. इसका कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया. उन्होंने कहा कि देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 80 लाख है. इनमें से 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं. इस बार 1 करोड़ 82 लाख मतदाता पहली बार वोट डालने वाले हैं. 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है. 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं. और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं. 1 करोड़ 80 लाख 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने electoral roll में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे proud मतदाता हैं. We feel very proud to have them with us. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोज़ेइक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. भौगोलिक चुनाव तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि भारत का चुनावी लोकतंत्र इसलिए काम करता है क्योंकि इसे 1 करोड़ 50 लाख मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी कुशलतापूर्वक संपन्न कराते हैं. इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 ईयर्स पीरियड तैयार किया है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस. वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल मैनी पुट टुगेदर. ओवर 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस, एंड कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कंडक्ट दोज इलेक्शंस. मोर देन 55 लाख ईवीएम्स, 4 लाख व्हीकल्स,
और अब तक हम क्या कर चुके हैं, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। चुनाव आयुक्त ने इस बार के चुनाव में दी जाने वाली खास सुविधाओं की भी जानकारी दी। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी न करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात गलत नहीं कहनी चाहिए। आम चुनाव 2024 के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले चुनाव में 2100 से अधिक पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला लिया गया है। फ्रेंड्स, वी आर अपॉइंटिंग 2100 ऑब्जर्वर्स। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे, हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटीमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रेंडमाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है। दे विल बी रेंडमाइजिंग द फोर्स, एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रेंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स। चुनाव की घोषणा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बड़े संदेश भी दिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ इन लास्ट 2 ईयर्स अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स। एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबकी नजरें 4 जून पर होंगी, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। आंध्र प्रदेश, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन वुड बी 18th of April 2024 और डेट ऑफ पोल वुड बी 13th May 2024। तो आंध्र के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 2024 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 2024 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में
first notification, this will be conducted in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase mein hoga, second phase of the assembly of Odisha, 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also, Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. Ye sab aapke saath mein hum abhi share kar rahe hain, taki aapko likhne mein, report karne mein isko asani ho.